Hello everyone, hope you are doing good. Now in this video we are going to cover allowances partially exempt. Allowances partially exempt. These are covered under section 10 sub clause 14 and rule 2BB. Okay. अभी बहुत सारे बच्चे ने बोला कि मैम ये लेक्चर्स नहीं बढ़ाइए, हम लोग खुद देख लेंगे कि क्या एग्जेम्पशन लिस्ट है. देखिए आपका बोलना सही है कि कोर्स बहुत ज़्यादा है और अगर मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी सामने लिखवाऊंगी तो आप लोग के लिए मुश्किल है, क्योंकि इसमें समझाना कुछ नहीं, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन में लाना है. तो ये उनके लिए ठीक है. और हमारे वैसे पहले जो क्लासेस थे उसमें हम इसे नहीं लिखवाते थे, नहीं बताते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स को बुक ईजिली अवेलेबल हो जाती थी. अभी प्रेजेंट में सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, स्टूडेंट्स को बुक अवेलेबल नहीं हो रही है, इसीलिए उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए ये हम दे रहे हैं. देखिए ये हमारे लिए ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि आपको हम कंप्लीट कराएं, बट मैं इसको प्रेशर नहीं मानती हूँ. मैं ये जानती हूँ कि आपको कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है पढ़ाई में, बिकॉज ये जो कोविड सिचुएशन है ये शॉर्ट ड्यूरेशन की नहीं है. इट विल गो अहेड इफ़ यू रीड अबाउट एंड इफ़ यू आर क्वाइट टैलेंटेड, आपको कुछ भी नॉलेज होगा तो आपको ये पता होगा कि ये थोड़ा सा लंबा चलेगा. तो मैं अपने से जुड़े एस्पिरेंट्स को कहीं से भी सफ़र नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए ये लिस्ट जो है मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ. अगर आपके पास बुक्स हैं, जिस भी एस्पिरेंट के पास बुक हैं और आप रजिस्टर्ड होने के पास ये लेक्चर रिसीव कर रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली येस ट्रू कुछ समझाना नहीं है, सिर्फ आपको एक लिस्ट दे देनी है जो कि मैं चाहूँ तो आपको बोल दूँ कि भाई आप बुक्स रेफर कर लो. ठीक है, तो ये आई होप आप अंडरस्टैंड करो, ये उन बच्चों के लिए जिनके पास बुक्स अवेलेबल हैं. ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर कर आ रही हूँ और जहाँ पे समझाना होगा वहाँ पे अपने आराम से चलेंगे. चलिए ठीक है, कुछ एम्प्लॉइज जो हैं जो अलाउंसेज हैं हमारे जो एसएससीज को मिलते हैं वो इनकम के पार्ट होते हैं, तो उसमें कुछ पोर्शन पार्ट होते हैं ठीक है और कुछ नहीं होते हैं. ठीक है, जो कि ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होने चाहिए. ठीक है, और एम्प्लॉयर ने दिए होने चाहिए. इसमें क्राइटेरिया क्या है, ऑफिस पर्पस के लिए होने चाहिए. ऑफिस पर्पस मतलब वो जिस भी तरीके का ऑफिस हो उनके उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से लिमिटेड होना चाहिए. किसने दिया हो, एम्प्लॉयर ने दिया हो, और किसने एक्सपेंड यानी खर्चा किसने किया हो, एम्प्लॉय ने किया हो. ठीक है, तो इसमें पोर्शन जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा एग्जेम्पशंस के लिए. चलिए लिस्ट अब देखते हैं. ये लिस्ट है, मैं फटाफट आपको बता दी जाऊंगी. बेटर आई चेंज द पेन. ठीक है, लिस्ट है. सबसे पहले आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. ठीक है, जो चिल्ड्रन को एजुकेशन के लिए अलाउंसेस मिलता है. ठीक है, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए किस फॉर्म में मिलेगा, कैश के फॉर्म में मिलता है एजुकेशन अलाउंस के लिए. ठीक, तो ये जो अलाउंस रिसीव होगा एम्प्लॉय को, किसको रिसीव होगा, एम्प्लॉय को. ठीक, ये कितना एग्जेम्प्ट होगा, क्या ये फुली एग्जेम्प्ट होगा, नो. क्या ये फुली टैक्सेबल होगा, नहीं, ये पार्शियल एग्जेम्प्टेड है. एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 14 कितना, रुपीस 100. ठीक है, रुपीस 100 पर मंथ पर चाइल्ड. ठीक है, अप टू टू चिल्ड्रेन. ठीक है, कई बार ये होता है ना, पहला सिंगल बेबी हो जाएगा और उसके बाद ट्विंस होते हैं तब तीनों बच्चों में होगा, लेकिन पहला ट्विंस हो गया फिर सिंगल हुआ तो पहले दो बच्चों पे मिलेगा. ठीक है, सो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस एग्जेम्पशन होगी अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 14 रुपीज 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू टू चिल्ड्रेन. ठीक है, नेक्स्ट चिल्ड्रेन हॉस्टल एक्सपेंडिचर. ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस. ठीक है, किस चीज़ के लिए, एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं उनका जो हॉस्टल का खर्चा है. ठीक है, उनको अलाउंसेस मिल रहे हैं जो रिसीव हो रहे हैं. ठीक है, तो इसमें भी एग्जेम्प्ट, एक तो जो भी रिसीव हो रहा है आपका, ठीक, लेस कर देंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 14 के अंदर रुपीज 300 पर मंथ पर चाइल्ड
टू टू चिल्ड्रेन। ठीक, फटाफट यहाँ पे ट्रिक समझ लेंगे कि भाई एजुकेशन में उतना खर्चा नहीं आता सही मायने में, अगर आप देखें तो जो खर्चे हैं वो बाकी एमिनिटीज के लिए हैं, तो इसीलिए वहां पे 100 रुपए, और हॉस्टल में रहने के लिए भाई रहना है, खाना पीना है, अदर फैसिलिटीज है, तो इसलिए 300 रुपए। ये सिर्फ ट्रिक है, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सिर्फ ट्रिक है। अब आगे चल के मैं सिर्फ और सिर्फ ये एग्जेम्पशन पोर्शन बताऊंगी, और ये चीज आप ऐसे अज्यूम कर लोगे, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी लिस्ट है, फिर डिले होता जाएगा। ठीक है, थर्ड रनिंग अलाउंस, रनिंग अलाउंस किसको दिया जाता है? एम्प्लॉई को दिया जाता है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होते हैं, ठीक है, कि वो अपने पर्सनल एक्सपेंस करें एक जगह से दूसरी जगह जाने के, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, ठीक है। तो क्या एग्जेम्प्ट हो रहा है इसमें? ये भी एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 14, ठीक है। लीस्ट एग्जेम्प्ट होगा, लीस्ट यानी लोअर ऑफ द फॉलोइंग, जो इसमें से कम हो, कौन से में? 70% ऑफ जो अमाउंट उसको रिसीव हुआ है एज एन अलाउंस, या ₹10,000 पर मंथ, इन दोनों में से जो भी लोअर हुआ, ठीक है, या तो जो उसको अमाउंट मिला है एज रनिंग अलाउंसेस, जो भी उसको मिला है वो, ठीक है, जो 70% ऑफ द अमाउंट अलाउंसेस मिला है, या ₹10,000 पर मंथ, जो इन दोनों में से लोअर होगा वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 14 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कब, ये बेनिफिट किसको मिलेगा? ये तभी मिलेगा जब एम्प्लॉय या तो ब्लाइंड है, या हैंडीकैप्ड है, डेफ है, या डम है, ठीक है, तो उनके जो ट्रेवल एक्सपेंडिचर है उनके घर से लेके ऑफिस तक, ठीक है, और सॉरी रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक, ये केवल उन्हीं लोग के लिए जिनको कुछ प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयज को, ये ब्लाइंड हैं, हैंडीकैप हैं, या डेफ एंड डम है, ये उन्हीं के लिए। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(14) है, अमाउंट बस बता दे रही हूँ, ₹3,200 पर मंथ, ठीक है, ये एग्जेम्पशन मिलेगा। नेक्स्ट माइनिंग और अंडरग्राउंड, ठीक है, अलाउंसेस, ये एक तरीके का स्पेशल अलाउंस है जो कि इंडिविजुअल को मिलता है जो अंडरग्राउंड माइंस में काम करते हैं, ठीक है, तो ये अलाउंसेस उनको मिलता है, तो उनको जितना भी मिला हो उसमें से इनको एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(14) के अंदर? ₹800 पर मंथ। ठीक, नेक्स्ट जो सिक्स्थ है वो है ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, ये उन लोगों को मिलता है, उन एम्प्लॉयज को मिलता है जो कि एम्प्लॉयड, यानी कहाँ पे एम्प्लॉयड होते हैं, ट्राइबल एरियाज में, नोटिफाइड एरियाज में एम्प्लॉयड होते हैं, नोटिफाइड स्टेट में, हर स्टेट में ना एक एरिया होती है ट्राइबल एरिया, ठीक है, तो उस एरिया में जो एम्प्लॉयड होते हैं ये अलाउंसेज उनको मिलते हैं, और इस अलाउंसेज में भी एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(14) के अंदर, कितना? ₹200 पर मंथ, ₹200 पर मंथ, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एग्जेम्पशन अमाउंट बताऊंगी, टेक्निक पूरा सेम चलेगा आपका, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका वो है हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस, ठीक है, ये वही है जैसे कि हर स्टेट्स में, नोटिफाइड स्टेट्स में कुछ हिली एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे कोई एम्प्लॉय किया हुआ है, ठीक है, तो उनको एग्जेम्पशन मिलेगा। कितना डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में है, लेकिन रेंज करता है ₹300 से ₹7,000 पर मंथ, ठीक है, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि उनको कितना अलाउंसेस का एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है, आपको एग्जाम में मिल जाएगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो बॉर्डर या रिमोट या डिस्टर्ब्ड एरिया, कोई डिस्टर्ब लाइक जम्मू एंड कश्मीर, कोई डिस्टर्ब एरिया है वहां पे रहने की वजह से अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, कैसा अलाउंसेस मिलता है? कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलता है ना, जो भी बॉर्डर एरिया में और रिमोट एरिया में या डिस्टर्ब एरिया में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो अलाउंसेस है एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है, अगर किसी को रिसीव किया हो रहा है फील्ड एरिया अलाउंसेस और मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस या काउंटर इंश्योरेंसी अलाउंसेस, ये वैसे हमेशा मिलेगा, ठीक। कितना अमाउंट है पहले देख लेते हैं, बॉर्डर एरिया अलाउंसेस का ये भी वेरी करता है एग्जेम्पशन, 200 रुपये से
1300 रुपये पर मंथ, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी प्लेस। लेकिन ये एग्जेम्पशन का एक एक्सेप्शन है, ये किसको नहीं मिलेगा, कौन सा, बॉर्डर रिमोट डिस्टर्ब एरिया अलाउंसेस, ये किसको नहीं मिलेगा, ये उन एम्प्लॉयज को नहीं मिलेगा जिनको और भी अलाउंसेस दूसरे मिल रहे। कौन सा अलाउंस मिल रहा है उनको, फील्ड एरिया अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, या उनको मिल रहा है मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस, ठीक है, या उनको क्या मिल रहा है, काउंटर इंश्योरेंस। इसमें से कोई भी अलाउंसेस मिल रहा है, कोई भी इन तीनों में से मिल रहा है, तो उसको ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। नाइन्थ क्या है, फील्ड एरिया अलाउंसेस, ठीक है, फील्ड एरिया अलाउंसेस के ये भी कंपनसेटरी अलाउंस मिलता है उन एम्प्लॉयज को जो एक पर्टिकुलर प्लेसेस में काम कर रहे हैं। इसमें भी यही है, जो इस एरिया में मिल, जिसको इस एरिया में एग्जेम्पशन मिल रहा है, ठीक है, या किसी और में मिल रहा है, तो उसको इसमें नहीं मिलेगा, मतलब किसी एक ही में मिलेगा चारों को मिला के, ठीक है। कितना अमाउंट है फील्ड एरिया का, 2600 रुपये पर मंथ, ठीक। टेंथ, मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, ठीक है, इन चारों में से किसी एक ही पे मिलेगा, ठीक है। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस के वो नोटिफाइड प्लेसेस हैं जो कि फील्ड एरिया के अलावा की हैं, ठीक है, फील्ड एरिया तो है ही है, उसके अलावा जो प्लेसेस होते हैं उसको मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। उस पर कोई पोस्टेड है और वहां पे जो अलाउंस मिल रहे हैं वो मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस हो जाएंगे, और इसका एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 14 के अंदर है, ₹1000 पर मंथ, ठीक है। लास्ट 11th आपका काउंटर इंश्योरेंसी अलाउंस, ठीक, काउंटर इंश्योरेंसी अलाउंसेस, ये उनको मिलते हैं जो कि आर्म फोर्स में काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, आर्म फोर्स में जो काम कर रहे होते हैं उनको। कितना एग्जेम्पशन है, ₹3900 पर मंथ। तो आप इन चारों केस में देखें, बॉर्डर एरिया और रिमोट एरिया अलाउंसेस, ठीक है, ये इसमें तभी मिलेगा, ठीक है, जब इन नीचे के तीनों में नहीं मिल रहा होगा। यानी कि पहले तो हम इन तीनों एरिया को देखेंगे, इन तीनों एरिया में कौन है, एक तो जो एक फील्ड एरिया अलाउंसेस, एक स्पेसिफाइड एरिया है उसमें पोस्टेड है, वहां पे उनको अलाइंस मिल रहा है, तो 2600। अदर देन फील्ड एरिया में अगर कोई है, मॉडिफाइड फील्ड एरिया में है, तो उनको 1000 रुपये, या कोई आपका जो है काउंटर इंश्योरेंसी अलाइंस यानी जो आर्म फोर्सेस में है, ठीक है, उनको इन, तो जो इन तीनों कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे उनको जो अलाइंस मिलेगा वो क्या होगा, बॉर्डर रिमोट या डिस्टर्ब एरिया अलाउंसेस, और उनका एग्जेम्पशन इस क्लॉज में फॉलो। मतलब पहले नीचे के तीनों, और ये तीन एक सेपरेट हैं, ये तीनों सेपरेट है, या तो इसमें मिलेगा या इसमें मिलेगा या इसमें, क्योंकि ये तीनों एरिया अलग अलग हैं, ठीक है। अगर इन तीनों में नहीं मिलेगा तो किसमें मिलेगा, बॉर्डर एरिया या रिमोट डिस्टर्ब एरिया अलाउंस में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 12th है आपका, हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, ये भी किसको मिलता है, मेंबर ऑफ आर्म फोर्स को, ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड पे काम कर रहे हैं। वेरी करता है ये, 1060 रुपये से 1600 रुपये तक पर मंथ मिलता है, जिस जैसे हिसाब की प्लेस होगी उस एरिया से, ठीक है। 13th स्पेशल कंपनसेटरी मिलता है, स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव, ठीक है, फील्ड एरिया अलाउंस, ठीक है, ये भी किसको मिलता है, एक्टिव फील्ड एरिया हो और जहाँ पे वो आर्मी के लोग, आर्म्ड फोर्सेस हो, ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस के लोग हों, ठीक है, तो उनको कितना एग्जेम्पशन मिल जाएगा, 2400 रुपये पर मंथ, ठीक है। लास्ट आपका 14 केस, आइलैंड में कोई ड्यूटी कर रहा हो, ठीक है, किसको मिलता है ये, मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्स, ठीक है, जो आर्मी में है और पोस्टेड किस में, आइलैंड्स में, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, ठीक है, इस आइलैंड्स में है, तो उनको ये अलाउंसेस मिलता है, और जिसका एग्जेम्पशन कितना है, ₹3250 पर मंथ, ठीक है। तो ये आपके 14 पॉइंट्स हैं जिसको आपको मेमोराइज करना है।
अब एक ट्रिक बता दे रही हूँ, ट्रिक ये है कि एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ये सारा जो एग्जेम्पशन है वो कवर्ड है अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 14 के अंदर। दूसरी बात, ये उनके प्रॉपर काम से रिलेटेड होना चाहिए, उनके ऑफिशियल पर्पज़ के लिए होना चाहिए। तीसरी बात, एम्प्लॉयर ने दिया हो। चौथी बात, एम्प्लॉय ने खर्च किया हो। और पांचवी बात, सारे एग्जेम्पशन पर मंथ पे डिपेंडेंट है, ठीक। छठी बात, अगर चाइल्ड वाली कोई कैटेगरीज हैं तो केवल दो बच्चों तक ही सीमित है, ठीक है, दो से ज़्यादा बच्चे नहीं, केवल दो तक। लेकिन पहला बच्चा नॉर्मल है और दूसरे आपके डुअल हैं, ट्विन्स हैं, तो तीनों बच्चों को मिल जाएगा। लेकिन पहले बच्चे दोनों ट्विन्स हो गए और तीसरा सिंगल है, तो सिर्फ शुरू के दो बच्चों को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये जो अमाउंट्स हैं एग्जेम्पशन की, ये मेमोराइज करनी है। तो एक बार मैं आपके बेनिफिट के लिए क्विक रीडिंग कर लेती हूँ, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू टू चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू टू चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, रनिंग अलाउंस, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और ₹10,000 पर मंथ। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस विच इज गिवन टू द एम्प्लॉय इज ब्लाइंड, हैंडीकैप, डेफ एंड डम, ₹3,200 पर मंथ। माइनिंग और अंडरग्राउंड एरिया अलाउंस ₹800 पर मंथ। ट्राइबल एरिया अलाउंसेस ₹200 पर मंथ। हिल कंपनसेटरी अलाउंसेस विच इज रेंजिंग फ्रॉम 300 टू 7,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। नेक्स्ट, बॉर्डर रिमोट और डिस्टर्ब्ड एरिया अलाउंसेस विच इज गिवन टू द 200 टू 1300 पर मंथ डिपेंड ऑन द प्लेस। नेक्स्ट, फील्ड एरिया अलाउंसेस अमाउंट 2600 पर मंथ। मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंसेस ₹1,000 पर मंथ। काउंटर इंश्योरेंस अलाउंसेस ₹3,900 पर मंथ। हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस गिवन रेंजिंग फ्रॉम 1,060 टू 1,600 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द प्लेस। नेक्स्ट, स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस ₹4,200 पर मंथ। एंड द लास्ट, आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस विच इज 3,250 पर मंथ। आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हों और आप ये टॉपिक को यहीं पे फटाफट से मेमोराइज कर लेंगे और एक दो बार लिसन कर लेंगे, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसका एप्लीकेशन जब हम फुल फेज इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल्स को, सैलरी के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे तब कंसिडर करेंगे, ठीक है। या इन बिटवीन किसी क्वेश्चन में बीच का पार्ट होगा तो आपको ये वहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड लक।